वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार उमेर भाई ने मुर्गा मुर्गियों चावल डाल दिए। हमारे घर में चावल बनते हैं या फिर कोई भी चीज़ बनते हैं जो मुर्गा मुर्गी खा सकते हैं, तो इनको डालते हैं। हमसे ज़्यादा इज्जत तो इनको मिलती है नहीं उमेर भाई। तो यार इनको मैं चावल वगैरह डाल दिए और अभी हम जाएंगे अपने परिंदा वगैरह देखेंगे। तो यार ऊपर मैं आ चुका हूँ, लेकिन हमारा जो एक वो है ना बजीज, वो मर चुका है। मैं अंदर चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एक चूंटे तो दूर सर खा गए हैं यार भाई। मेरे ख्याल से ना काफ़ी टाइम का मरा हुआ है, क्योंकि मैं ना जब गर्मी कम होती है ना उस दिन में ना छत पर नहीं आता, क्योंकि उसमें छोड़ देता हूँ परिंदों को। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम का मरा हुआ, काफ़ी घंटे हो गए इसको। तो इसको भी हम दफनाएंगे, उससे पहले मैं बाजरा वगैरह डालता हूँ, ठीक है? तो इसको उठाता हूँ, दफनाता हूँ। तो इसको सोगड़ा हो गया था असल में ना, कल मैं आया था ना, इसकी हालत ना थोड़ी ऐसी होती है, यानी कि ज़मीन में बैठा हुआ था ये, आराम से मैं हाथ पे आ गया। इसका साइज छोटा सा हो गया, खुद देख सकते हैं कितना कमज़ोर सा ये है सोकड़े वाला, और ये देखें नॉर्मल, देख रहे हैं साइज़ में फ़र्क। तो ये मसला है, इसका साइज जो छोटा है वो छोटा हो गया था, और बकाया ना ये सोकड़े में चला गया था, खारा पिया नहीं था। तो उसको हमने एंटीबायोटिक मेरे ख्याल दी थी, लेकिन फिर भी। और हमारा जो एक वो है ना डायमंड डव, ये वाली जो एक ही दिल के चल रही है, इसको क्या हुआ है? इसके पर है ना उस तरफ वाला पर, वो दिखाया नहीं रही। इसका उस तरफ वाला जो पर है ना वो टूट चुका है, यानी कि बाजू इसका ख़राब हो चुका है, जब बाजू टूट चुका है। कल मैं आया, ये आराम से बैठी हुई थी दोनों परिंदे, तो उसको मैंने हाथ में लिया, तो मेरे हाथ में कभी तक खून लगी, मैं समझ नहीं आया क्या हो रहा है, यानी कहाँ से जमीन चाहिए है। तो फिर मैंने उमेर भाई को बुलाया, तो उमेर भाई ने चेक करा, तो पता चल रहा है ना पर टूट चुका था। तो फिर उसके बाद हमने इसको पैडिंग लगाई, और अब कंडीशन थोड़ी ठीक है ये वाली, ठीक है ये वाली डव थी, कंडीशन थोड़ी ठीक है, आराम से सही चीज़ है। तो यार तोते को तो मैं निकाल रही है, अब देख सकते हैं कि तोता निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर चूंटियाँ कभी ज़्यादा हो गई हैं अंदर, तो उसकी तो खैर ख़त्म हो जाएगी। सैनिटाइज़ करा था हमने, तो इंशाल्लाह वो तो नहीं होंगी। और ये हमारे जो प्यारे पे कालू और कल्लू है ना, थोड़ी गर्मियों का मजा है, फिर इनसे हम ब्रीडिंग करवाएंगे। तो इसके लिए हम इनके लिए मिट्टी रखनी होती है, जिसके लिए जिसमें ये ब्रीड वगैरह करती हैं, तो इनके लिए मिट्टी वगैरह रखेंगे, अच्छा सेटअप बनाएंगे, फिर इनको ही ब्रीड पिलाएंगे, ठीक है? तो इसमें तक काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे नहीं करेंगे, तो मैंने तो कभी रियल लाइफ में ना बटेर के बच्चे नहीं देखे, तो मैं भी फर्स्ट टाइम देखूँगा और बहुत मज़ा आएगा। तो भाइयों मैंने जो है ना सब, यानी कि एक छिड़काव वगैरह कर दिए, आप खुद देख लें कितना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होगा, ज़मीन वगैरह भी गीली हो गई है। और ये 100% जो गर्मी लग रही होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनको तकरीबन 20 या 30% रहेगी, इतना असर पड़ता है छिड़काव करने से, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। भाई मैं समझता था कि चिड़िए वो है ना नमक वगैरह भी खाता नहीं है, देख रहे हैं भाई अंदर डब जो है नमक खा रही हैं, ये खा कैसे नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे। हल्की हल्की चोंच मार रही हैं, फिर उसके बाद जो है ना चाट ले रही हैं चोंच को, मेरे ख्याल से ऐसे ही कर रही हैं। उन्होंने नमक लगाना फ़ायदा है ये बात मुझे समझ आ गई है। तो हमने रेत के अंदर ना बाजरा डाल दिया है, और ना छोटे छोटे पौधे हो गए हैं, तो ये जो है ना मुर्गा मुर्गी आपको शौक से खाते हैं हमारे। तो भाई अब जो है ना मौसम थोड़ा ठीक हो चुका है, देखें शाम हो रही है और बादल भी अच्छे हल्के हल्के आए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा सा मौसम हो रहा है। और ये टाइम जो होता है ना बड़ा रिलैक्सिंग टाइम होता है, आप समझ सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है इस मौसम के अंदर। ये हमारी मुर्गी ना अकेली बैठी रहती है, जो नई मुर्गी आई है, और क्योंकि दूसरी मुर्गियाँ जो है ना उसको मारती हैं, लेकिन इन्होंने ये तो बखेड़ा खड़ा करा हुआ, देख रहे हो भाई ये क्या करा है इन्होंने, ये मुर्गा मुर्गियाँ सारा मिट्टी गिरा दी है पौधों की ज़मीन पे। और ये मुर्गी काफ़ी प्यारी है यार, जोड़ मजबूत है इसके, ठीक है सर? तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आज हमारा तोता मर गया, जो कि काफ़ी सैड न्यूज़ है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और नहीं ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।